नमस्कार। मक्का में एक विदेशी कीट फाल आर्मी वर्म जो किसानों और वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। इसकी चिंता इसलिए बड़ी है कि ये 2018 में अमेरिका से भारत में आया और बहुत कम समय में बहुत बड़े भूभाग पे ये फैल गया है। और ये सिर्फ मक्का में ही नहीं, कई अन्य फसलों में भी नुकसान करता है और भारी नुकसान करता है, यहाँ तक गेहूँ में भी नुकसान करता है। आज हम जानते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके मक्का के खेत में फॉल आर्मीवर्म का अटैक हो गया है और क्या इसका प्रभावी इलाज है। देखिए, सबसे जरूरी है कि आप मक्का में फॉल आर्मीवर्म को पहचानें, अन्यथा अक्सर आप लोगों से कहते हुए सुनते होंगे कि फॉल आर्मीवर्म आ गया तो ये नुकसान करेगा ही, ये कंट्रोल बहुत मुश्किल है इसका। फॉल आर्मीवर्म मक्का में आप देखेंगे कि इसकी लट नुकसान करती है और वो 6 अवस्थाओं में गुजरती है और जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे उसका नुकसान भी तेजी से करने की प्रवृत्ति बदलती जाती है। पहली 2 जो अवस्थाएं होती हैं, जिसको इंस्टार बोलते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि मक्का का जो छोटा पौधा होता है उसके ऊपर आपको सफेद सफेद कागज की तरह धब्बे दिखाई देंगे, लंबे लंबे या छोटे छोटे आपको उसमें छेद दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय उस लट का जो जबड़ा होता है वो बहुत मजबूत नहीं होता है, इसलिए वो पत्ती को खुरच के खाती है। और अगली जो अवस्था तीसरी चौथी इंस्टार होती है उसके अंदर वो पत्तियों को काटती है, कटी फटी आपको पत्तियां नजर आती हैं। तीसरी चौथी इंस्टार पे जब आपको पत्तियां कटी फटी नजर आए उस समय आपको इलाज करना बहुत आवश्यक है, इस समय आप चूक गए तो ये बाद में आपके काबू में नहीं आएगी। पांचवी छठी जो इंस्टार होती है जिसमें इल्ली पूरी बड़ी हो जाती है उस समय बहुत तेजी से पत्तियों को खाती है, खासकर जो गोब के अंदर घुस के खाती है और वहां आपको इसका मली मल दिखाई देगा। और जब फसल यदि आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में है तो उसके नर माजरे या जो उसका भुट्टा है उसके अंदर छेद करके उसको काफी नुकसान करती है। इलाज क्या है इसका? देखिए, बुआई के समय ही कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम खड़ी फसल की भी अब आगे बात करने वाले हैं, पर बुआई के समय आपको सबसे जरूरी है कि जो उर्वरक है वो संतुलित दें, ये नहीं कि यूरिया यूरिया टिकाते रहे हम, इससे ये कीट का आक्रमण ज्यादा हो सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर सब आप अनुशंसित मात्रा में दें। बीज उपचार जरूरी है सिनेट्रोनिप्रोल प्लस थाइमेथोक्साम से। और एक चीज आप और कर सकते हैं कि आपके खेत के चारों तरफ 2-3 लाइनें आप नेपियर घास की लगाएं, ताकि नेपियर घास के ऊपर इसका आक्रमण जल्दी हो और वो आपकी नेपियर घास एक ट्रैप फसल के रूप में काम करे, यानी कि वो कीड़े को आकर्षित करे और उस पे ही आप नेपियर पे ही स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर लो। इसके अलावा केमिकल पे जाएं उससे पहले आपको अपने खेत में, मैं ये समन्वित रणनीति इसलिए बता रहा हूं कि इस कीट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसलिए आपके खेत के अंदर मक्का की फसल में आपको बर्ड प्रीचर लगानी चाहिए, टी आकार की बांस की खपचिया लगानी चाहिए फसल की हाइट से लगभग 1 फीट ऊंचाई पे। समय समय पर उसकी हाइट बढ़ाते रहें ताकि जो चिड़ियाएं हैं वो आके बैठें और इस इल्ली को आपके खेत से खाएं। और आपको अपने खेत में कम 4 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में इसकी तितली फंसेगी और उससे आपका कंट्रोल भी होगा, साथ ही साथ इसकी तितली जो आपको फोटो में देख रहे हो उसको देख के आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरे खेत में फॉल आर्मीवर्म आने वाला है, मुझे सचेत हो जाना है। और जब इसका वास्तव में डैमेज हो गया है तो इसकी कुछ हम देसी नुस्खों की भी बात करेंगे आगे। अब हम कीटनाशी की बात करते हैं। यदि बहुत कम इसमें नुकसान है और शुरुआती समय में आपको कहीं कहीं इसका नुकसान दिखाई दे रहा है तो मैं तो ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि पहला स्प्रे आपका नीम, आग, धतूरा इनका होना चाहिए, या नीम खली का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका अरक होता है उसका आपका स्प्रे होना चाहिए, वो आपका कंट्रोल करेगा। बहुत छोटी जब आपकी इल्ली है उस समय तो शुरू में आप एक नीम सीड करने लक्ष्यक्ट 5% या आपका जो मार्केट में एजाडिरेक्टिन 1500 पीपीएम मिलता है उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, या आप अपने घर पे जो सतपर्णी अरक बोलते हैं ऐसे पौधे जिनको पशु सामान्यतः नहीं खाते हैं और जिसमें कीटों को दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है,
उनकी वनस्पतियों का आप एक अर्क बना के आप इसमें स्प्रे करें। मैं इस चीज में इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आगे तो हमें कीटनाशक करना ही है ज्यादा अटैक पे, तो पर शुरू से ही कीटनाशक करने लग गए तो फिर आगे ये इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अब जहां ये ज्यादा नुकसान करने लग गया है उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको सबसे सिंपल में आप ले सकते हैं क्लोर एंट्रानीप्रोल 18.5% SC 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करें। कोराजन या अन्य किसी नाम से मार्केट में मिलता है। इसके अलावा आप स्प्रे कर सकते हैं क्लोर एंट्रानीप्रोल, लेमडासाइल हेल्थ्रिकिन के कॉम्बिनेशन में आती है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप थायोमिथोक्जाम प्लस लेमडासाइल हेल्थ्रिकिन आता है 50 ml प्रति एकड़ उसका स्प्रे कर सकते हैं। आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म वाली 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, ये भी आपके इसके कीड़े को कंट्रोल करेगा। कई बार इमामेक्टिन बेंजोएट और प्रोफेनोफोस को एक साथ मिला के स्प्रे करने की भी सिफारिश की जाती है, और एक महंगा कीटनाशक लेकिन काफी प्रभावी है वो है स्पाइनेटोरम, जिसकी 100 ml प्रति एकड़ डोज जाती है, ये भी काफी अच्छा कीटनाशक है। इसके अलावा जो एंडोक्साकार प्लस नुआलुरोन जो प्लेथोरा के नाम से आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी काम करेगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको कीटनाशक हर बार बदल बदल के स्प्रे करना है। कीटनाशक स्प्रे करते समय आप ध्यान रखें कि कीटनाशक इसकी गोभ की, आपकी जो स्प्रे का डायरेक्शन है वो ऐसा हो कि गोभ के अंदर इसका कीटनाशक जाए, पानी की मात्रा कभी भी कम ना लें और लगातार कंटिन्यू एक ही कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें, बदल के आपको करना है। सुबह और शाम के समय आप स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा एक देसी नुस्खा जिसको आप अपना सकते हैं, कुछ लोग इसके अच्छे रिजल्ट बताते हैं, वो ये है कि आपको खेत की मिट्टी लेनी है और चूना लेना है। खेत की मिट्टी 9 भाग और चूना 1 भाग, इसको मिला के और आप एक छोटी जोत है तो आप पौधे की गोभ के अंदर यदि ये एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ लोग बताते हैं इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। वो आप किसी प्लास्टिक की बोतल में आगे से उसके छेद करके या किसी और अपना जुगाड़ बना के उसके अंदर डाल सकते हैं, कुछ लोग इसका अच्छा रिजल्ट बताते हैं। यदि बहुत लेट अवस्था में ये कीड़ा है, 5वीं 6वीं इंस्टार में है, उस समय इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप इसके लिए बेंट की गोलियां बना के भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आप लगभग 10 किलो के आसपास धान की भूसी लें, 2 किलो गुड़ लें और करीब 3 लीटर पानी के अंदर मिला के इसको 24 घंटे के लिए रखें, और ये जब फर्मेंट हो जाए उस समय, इसमें फर्मेंट हो जाए 24 घंटे में, उसके बाद में इसके अंदर जो मैंने कीटनाशक बताए उनमें से कोई एक कीटनाशक उसी अनुशंसित मात्रा में 1 किलो रेत मिलाएं, और ये मिलाएं कब, आप जब अप्लाई करने वाले हो, डालने वाले हो, उससे आधे घंटे पहले। और इस ये जो आपका धान गुड़ और पानी आपने पहले दिन 24 घंटे के लिए रखा, ये मटेरियल प्लस अगले दिन कीटनाशी और 1 किलो रेत को मिक्स करके इसकी गोलियां छोटी छोटी बना के इसके गोब के अंदर रख देंगे, तो आपका जब कीड़ा इसको खाएगा, इस बेंट को खाएगा, तो वो आपका मर जाएगा बहुत बड़ी अवस्था में, क्योंकि उस समय कीटनाशी कई बार उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। वैसे में ये चीज़ छोटे किसानों के लिए बहुत कारगर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें, क्योंकि मध्य भारत में मक्का का एरिया बढ़ रहा है, मक्का का ज़्यादा पुराना अनुभव है नहीं और बड़ा किसानों को इससे नुकसान होने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद।